जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, क्योंकि रवि हमारे मनों तक, हमारी भावनाओं तक नहीं पहुंच सकता, लेकिन कवि हमारे मन और हमारी भावनाओं तक पहुंच जाता है। कवि जब बात करता है तो लगता है आपके हमारे दिलों की बात कर रहे हैं, और वही बात शब्दों में प्रोकर कविता के रूप में हमारे सामने है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। हमारे बीच में आदरणीय आज की हमारी मुख्य अतिथि विद्या पालीवाल मैम, इन पंक्तियों के साथ मैं उनको उद्बोधन के लिए मैं वहीं पर आऊंगी कि सुनकर अनसुना कर दें ऐसी इनकी आवाज नहीं, सुनकर अनसुना कर दें ऐसी इनकी आवाज नहीं, मिलकर भूल जाए कोई ऐसे इनके अल्फाज नहीं, महफिल में छुप जाए ऐसे इनके अंदाज नहीं, सूरज से दमकती हैं ये किसी परिचय की मोहताज नहीं, ये किसी परिचय की मोहताज नहीं। आपकी जोरदार तालियों के साथ उद्बोधन के लिए मैं आमंत्रित कर रही हूँ आज की हमारी मुख्य अतिथि। सबसे पहले तो इस सुखद आयोजन की भूमिका क्या कहूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा बहुत किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गई हूँ। ये सब आयोजन देखकर माँ कालेश्वर की कृपा और लक्ष्मी पुत्र का आयोजन, सरस्वती पुत्र का आयोजन,